नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस वक्त लोगों को बचाने पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि अपने घमंड पर। शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा क्रिमिनल वेस्टेज है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा, लोगों को बचाने पर ध्यान दीजिए, ना कि एक नया घर पाने के लिए अपने अंधे अहंकार पर। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने इससे पहले भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। राहुल गांधी ने बुधवार को भी कोरोना, रोजगार और वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, न वैक्सीन न रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार। राहुल ने इस दौरान केंद्र पर निशाना साधते हुए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट पेश करते हुए ये ट्वीट किया था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक बेरोजगारी की दर अप्रैल में करीब 8% पर जा पहुंची है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान लगी सख्त पाबंदियों के चलते अप्रैल में ही 75 लाख लोगों का रोजगार छिन गया है। को बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन की कमी और लोगों की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को लेकर पीएम मोदी पर अटैक किया था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की बजाय टीकाकरण, ऑक्सीजन की कमी और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।